दिसंबर आते ही साइकोलॉजिकली हमें ऐसा ही लगता है कि चलिए भाई साल पूरा हो गया, ये साल का आखिरी महीना है और नए साल के लिए ताने बाने बुनना शुरू कर देते हैं। इसी महीने नेवी डे और आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे भी देश मनाता है। हम सबको मालूम है 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध का स्वर्णिम जयंती वर्ष भी देश मना रहा है। मैं इन सभी अवसरों पर देश के सुरक्षा बलों का स्मरण करता हूँ, हमारे वीरों का स्मरण करता हूँ और विशेष रूप से ऐसे वीरों को जन्म देने वाली वीर माताओं का स्मरण करता हूँ। सत्ता में नहीं हूँ और भविष्य में भी सत्ता में जाना नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ सेवा में रहना चाहता हूँ। मेरे लिए ये पद, ये प्रधानमंत्री, सारी चीजें ये सत्ता के लिए है ही नहीं भाई, सेवा के लिए है। ऑस्ट्रेलिया का एक रिश्ता हमारे बुंदेलखंड के झांसी से भी है। दरअसल झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जब ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रही थी तो उनके वकील थे जॉन लैंग। जॉन लैंग मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया के ही रहने वाले थे। भारत में रहकर उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का मुकदमा लड़ा था। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में झांसी और बुंदेलखंड का कितना बड़ा योगदान है ये हम सब जानते हैं। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई और जलकारी बाई जैसी वीरांगनाएं भी हुई और मेजर ध्यानचंद जैसे खेल रत्न भी इस क्षेत्र ने देश को दिए हैं। अमृत महोत्सव सीखने के साथ ही हमें देश के लिए कुछ करने की भी प्रेरणा देता है और अब तो देश भर में आम लोग हों या सरकारें, पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक अमृत महोत्सव की गूंज है और लगातार इस महोत्सव से जुड़े कार्यक्रमों का सिलसिला चल रहा है। ऐसा ही एक रोचक प्रोग्राम पिछले दिनों दिल्ली में हुआ, आजादी की कहानी बच्चों की जुबानी। कार्यक्रम में बच्चों ने स्वाधीनता संग्राम से जुड़ी गाथाओं को पूरे मनोभाव से प्रस्तुत किया। खास बात यह भी रही कि इसमें भारत के साथ ही नेपाल, मॉरिशस, तंजानिया, न्यूजीलैंड और फिजी के स्टूडेंट्स भी शामिल हुए। हमारे देश का महारत्न ओएनजीसी भी कुछ अलग तरीके से अमृत महोत्सव मना रहा है। ओएनजीसी इन दिनों ऑयल फील्ड्स में अपने स्टूडेंट्स के लिए स्टडी टूर का आयोजन कर रहा है। इन टूर्स में युवाओं को ओएनजीसी के ऑयल फील्ड ऑपरेशंस की जानकारी दी जा रही है। उद्देश्य ये कि हमारे उभरते इंजीनियर राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में पूरे जोश और जुनून के साथ हाथ बटा सके। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जारवा और ओंगे ऐसे जनजातीय समुदाय के लोगों ने अपनी संस्कृति का जीवन प्रदर्शन किया। एक कमाल का काम हिमाचल प्रदेश में ऊना के मिनिएचर राइटर रामकुमार जोशी जी ने भी किया है। उन्होंने पोस्टेज स्टैम्प पर ही, यानी इतने छोटे से पोस्टेज स्टैम्प पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के अनोखे स्केच बनाए हैं। हिंदी में लिखे राम शब्द पर उन्होंने स्केच तैयार किए जिसमें संक्षेप में दोनों महापुरुषों की जीवनी को भी उकेरा गया है।